हेलो गाइस, मैं हूँ छवि और आप देख रहे हैं जनरल टॉक्स की छवि। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके उतना फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये जो आपका आपके पैर और हाथ में कितना भी जो रंगत है आपके पैर और हाथ का कम हो गया हो, और या फिर आपके पैर और हाथ में कितना भी गंदगी जमा हो गया हो, एक बार में ही आपकी 99% आपकी गंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके पैर और हाथ को मोतियों के जैसा, मोती और आप सिल्क जो भी कह लो, मैं मुझे मोती का रंग बहुत पसंद है, पर्ल कलर बहुत पसंद है, तो मैं मोस्टली बोलती हूँ कि आपके जो हाथ पैर है वो मोती के जैसे चमकने लगेंगे। तो ये बहुत यूज़फुल है। हाँ, मैं ये आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि ये एटलीस्ट 14 ईयर्स तक से जो नीचे के बच्चे हैं, प्लीज़ लड़की हो या लड़के हो, उसके ऊपर आप ये ट्राई नहीं करें, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि हार्मफुल हो। लेकिन फिर भी मैं इसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा डाली हूँ जो बच्चों के लिए हो सकता है शायद सही नहीं हो। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये मुझसे कमेंट बॉक्स में ये नहीं पूछे कि बच्चे को यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 14 ईयर्स तक के बच्चों को प्लीज़ इसे यूज़ ना कराएं। और दूसरी बात मैं बोलूँगी कि ये मेल और फीमेल सबके लिए है, और ऑल एज ग्रुप के लिए, सिर्फ 14 ईयर्स तक के बच्चों को छोड़ के। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। और ये आपके पैर बनाते कैसे हैं वो मैं ले रही हूँ, ये बॉडी लोशन, क्योंकि मेरे पास ये है निविया का है। आप कोई भी बॉडी लोशन ले सकते हो जिसमें वाइटनिंग लिखा हो, या फिर अगर आपके पास बॉडी लोशन नहीं है तो कोई भी फेयरनेस क्रीम जो आपके पास हो, कोई भी फेयरनेस क्रीम हो आप वो ले सकते हैं, या फिर ये जो अपना कोई भी फेयरनेस क्रीम आप ले सकते हो। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट मेरा ये है। अभी मैं क्या करूँगी, मैं इसे ले लूँगी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे, मैं तकरीबन 2 स्पून के करीब में मैं ले रही हूँ। 1-2 स्पून मैं बॉडी लोशन ली हूँ जो लूँगी मैं इसमें। सेकेंड जो इंग्रेडिएंट है वो है राइस फ्लावर। आप चावल का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके अंदर आप गेहूं का आटा जिसे व्हीट फ्लावर कहते हैं, आप वो भी ले सकते हो, या फिर मैदा भी आप ले सकते हैं। मैं आपको 3 आपको बता दे रही हूँ, ऑप्शन बता दे रही हूँ कि आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं राइस फ्लावर ले रही हूँ, चावल का आटा, क्योंकि रंगत निखारने में इसको महारत हासिल है। तो मैं तकरीबन 1 स्पून के करीब में मैं राइस फ्लावर भी ले रही हूँ। उसके बाद जो थर्ड इंग्रेडिएंट लूँगी मैं वो है नींबू लेमन जूस। ये मैं तकरीबन 1/2 स्पून के करीब में ली हूँ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको दोनों पैर को में अगर आप बना रहे हो तो आप एक नींबू का जूस ले सकते हो। मैं 1/2 नींबू लिया। उसके बाद जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, जो अपना जो खाने का जो सोडा होता है, पाउडर आपको नहीं लेना है, आपको सोडा लेना है, जिस जो हम लोग वो नॉर्मली किचन में यूज़ करते हैं चना और मटर को जब पकाते हैं। तो ये मैं तकरीबन 1/2 स्पून के करीब में ली हूँ। तो ये मैं ये ले रही हूँ। अब मैं इन सबको मिक्स करूँगी अच्छे से। अब जो 5th इंग्रेडिएंट है मेरा वो है आपको कर्ड, योगर्ट जिसे दही कहते हैं वो। अब मैं ये तकरीबन 1 स्पून के करीब में मैं ये ले लूँगी। ओके, एक बात मैं और आपको बताना चाहती हूँ, आप चाहे तो इसमें जो ब्लीच क्रीम आता है, जो नॉर्मली कोई भी ब्लीच क्रीम आता है, आप वो भी इसके अंदर डाल सकते हो, लेकिन मैं उसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। आपको मैं बता रही हूँ कि आप वो भी चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो ये क्रीम बन के रेडी है, अब इसे लगाने का काम करते हैं। अभी आप देख लीजिए मेरे पैर पे, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको काला जैसा दिखेगा, और जब ये मैं पैक लगाऊंगी उसके बाद आप देखेंगे कि मेरे पैर का रंग कैसा चेंज होता है। तो ये देखो आप, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा आपको। तो चलिए लगाते हैं। इसे सूखने में तकरीबन 20 मिनट्स लगेंगे।
और जब ये सूख जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये सूख चुका है और अभी मैं इसको अच्छे से निकालूंगी। आप चाहो तो इसको आप एक किसी जो आपके घर में जो पुराना जो आप यूज़ करते हो हल्का स्क्रब करते हुए भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे देखिए मैं कैसे निकालती हूँ। ये देखिए इस पैर में और इस पैर में बहुत फर्क है। ये देखिए आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये बहुत साफ है, बहुत सॉफ्ट दिख रहा है और ये थोड़ा सा ये इसका कलर कम है, आप देख सकते हैं बहुत फर्क दिखता है, बहुत फर्क दिख रहा है। आपके पास जो भी बॉडी लोशन हो या जो भी आप यूज करते हो आपको हल्के हाथों से उसे लगा लेना है। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।